over the last few years, India has cemented its position as a military power. हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे, ये संभव नहीं है। शुरुआत हमें अपने से करनी है। But now India is making a pivot. It is turning from an arms buyer to an arms maker. This is the first ever foreign order for the BrahMos missile. It's a foundation to start from. और BrahMos इसका उदाहरण है। जब भारत ने BrahMos को गले लगाया, दुनिया BrahMos को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। तो इंडिया और रशिया द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड BrahMos मिसाइल अभी तक दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर हम चाइना की तरह अपने वेपन्स की कैपेबिलिटीज बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं कर रहे, बल्कि 9 मार्च का इंसिडेंट इस मिसाइल की कैपेबिलिटी शो करने के लिए सफिशिएंट है। दरअसल 9 मार्च को इंडियन एयरफोर्स से एक BrahMos मिसाइल मिसफायर हो गई थी, जो सीधा पाकिस्तान में जाकर गिरी। कई मिनट तक पाकिस्तान एयर स्पेस में होने के बावजूद पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल का कुछ नहीं कर सके, और ये इंसिडेंट से BrahMos मिसाइल की कैपेबिलिटी पूरे वर्ल्ड ने देखी। आज कई सारी कंट्रीज इस मिसाइल को लेकर अपना इंटरेस्ट शो कर रही है, पर सवाल आता है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो यूएसए मिसाइल के बजाय आज ज्यादातर कंट्रीज BrahMos मिसाइल को प्रोक्योर करने में इंटरेस्टेड है, जानेंगे इस वीडियो में। BrahMos एक मीडियम रेंज स्टेल्थ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या लैंड किसी भी सर्फेस से लॉन्च किया जा सकता है। BrahMos मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी BrahMos एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द रशियन फेडरेशन एनपीओ मेशिनोस्ट्रोनिया, जिसमें इंडिया 50.5% शेयर होल्ड करता है, वही रशिया के पास 49.5% शेयर होल्डिंग है। BrahMos नाम भी अपने आप में खास है, जिसे दो रिवर के नाम से डिराइव्ड किया गया है, दैट इज इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कवा। इनिशियली BrahMos मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर ही रखी गई थी, क्योंकि उस समय इंडिया MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का मेंबर नहीं था, पर 2016 में जब इंडिया MTCR का हिस्सा बन गया, तब इंडिया और रशिया ने 300 किलोमीटर प्लस रेंज की मिसाइल को डेवलप और टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल IAF के Su-30 MKI फाइटर BrahMos फायर करने में कैपेबल है, और इवेंचुअली IAF चाहता है कि उनके दूसरे फाइटर्स जैसे HAL तेजस, MiG-29 और न्यूली इंडक्टेड रफेल को भी BrahMos मिसाइल से इक्विप्ड कर दिया जाए। आज BrahMos मिसाइल के लिए कई सारी कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। इस मिसाइल का फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर 28 जनवरी 2022 को साइन हुआ था विद फिलीपींस। ऑलमोस्ट $375 मिलियन की इस डील के अकॉर्डिंग फिलीपींस को BrahMos मिसाइल की 3 बैटरीज के साथ ही ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट पैकेजेस डिलीवर किए जाएंगे। ये इंडिया का बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक है, जो इंडिया की फ्यूचर डिफेंस एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज को और भी इंक्रीज कर देता है। BrahMo एरोस्पेस के CEO अतुल राणा ने एक इंटरव्यू में बताया कि साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट एशिया में ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जो आने वाले कुछ सालों में इन इंडो रशियन BrahMos मिसाइल को परचेस कर सकती है। अगर प्रिसाइसली कंट्रीज की बात करें तो इन सुपरसोनिक मिसाइल्स के लिए वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, UAE, सऊदी अरेबिया और ओमान ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया के साथ BrahMos मिसाइल की डील एडवांस स्टेज पर चल रही है, और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद इंडिया से मिसाइल इंपोर्ट करने वाला दूसरा आसियान मेंबर बन जाएगा। पर यहाँ पर यह सवाल आता है कि आखिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज US की हापुन मिसाइल्स के बजाय इंडिया और रशिया द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड BrahMos मिसाइल पर इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है, बल्कि ज्यादातर आसियान कंट्रीज के साथ US के क्लोज फंक्शनल पार्टनरशिप है, और इवन ताइवान भी इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए हापुन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। हापुन एक ओवर द हॉरिजोन सबसोनिक हाई एक्सप्लोसिव एंटी शिप मिसाइल है, जो 224 kg का पेलोड कैरी कर सकती है। ये फ्लेक्सिबल मिसाइल्स को कई तरह के व्हीकल्स जैसे ट्रक्स, सबमरीन्स और एरोप्लेन से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल में टाइम के साथ कई सारे डेवलपमेंट्स किए गए हैं, और इसका न्यूएस्ट ऑपरेशनल मॉडल है ब्लॉक 2, जो एनहांस्ड रेजिलियंस, बेटर टारगेटिंग और दूसरे सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आती है। वही BrahMos पूरे वर्ल्ड में कुछ चुनिंदा क्रूज मिसाइल में से एक है जो हाई सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। इसकी हाई स्पीड के कारण इसको इंटरसेप्ट कर पाना काफी चैलेंजिंग है। ऑन दी अदर हैंड हापुन एक सबसोनिक मिसाइल है, और सुपरसोनिक स्पीड होने के कारण BrahMos किसी भी कंट्री के लिए फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस होगी।
हार्पून मिसाइल के कंपैरिजन में ब्रह्मोस के पास एक और एडवांटेज है, दैट इज लो रेडार सिग्नेचर, जिसके कारण इसको इंटरसेप्ट करना काफी डिफिकल्ट है। जहां हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल की मैक्सिमम रेंज है 240 किलोमीटर, वही ब्रह्मोस 290 किलोमीटर के टारगेट को भी इजिली हिट कर सकता है। और आपने आगे देखा ही है, 290 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस की इनिशियल मिसाइल की रेंज थी और इसके एडवांस वेरिएंट की रेंज इससे काफी ज्यादा है। खैर वो अलग बात है कि इंडिया 290 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को ही एक्सपोर्ट करेगा, फिर भी इसकी रेंज हार्पून के न्यूएस्ट वेरिएंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हार्पून कई कंट्रीज की मिलिट्री में करंटली सर्व कर रही है और एक कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल है, पर ब्रह्मोस का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है इसका सुपरसोनिक मिसाइल फैमिली से होना, जिसको मोबाइल लॉन्चर, नेवल सर्फेस, सब सर्फेस कॉम्बैटेंट्स और इवन एयरक्राफ्ट्स पर यूज किया जा सकता है। यानी हार्पून की फ्लेक्सिबिलिटी भी इसको प्रेफर्ड मिसाइल नहीं बना पाएगी, क्योंकि ब्रह्मोस को भी ग्राउंड शिप्स, सबमरीन्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं। और इससे ये साफ हो जाता है कि किसी भी पैरामीटर में यूएस की हार्पून ब्रह्मोस से आगे नहीं है। और यही कारण है कि काफी सारी साउथ ईस्ट एशियन और मिडल ईस्ट कंट्रीज इस मिसाइल को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। इंडियन नेवी के फॉर्मर वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा बताते हैं कि इन सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी और फॉरेन पॉलिसी असेसमेंट, ये दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको कंसीडर करके ही कोई डिफेंस डील साइन की जाती है। और इन दोनों ही पैरामीटर में इंडिया यूएस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन होल्ड कर रहा है। अगर स्पेसिफिकली मलेशिया की बात करें तो इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही LCA तेजस को भी अग्रेसिवली पिच कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के बाद दूसरा ऐसा वेपन जिसको इंडिया लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट कर सकता है तो वो है LCA तेजस। इसके अलावा इंडिया फिलहाल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस NG दैट इज नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब वो सभी मिसाइल्स जो स्पीड ऑफ साउंड से 5 times या उससे ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल करके अपने टारगेट को हिट करती है। पर यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ही इसको खास नहीं बनाती है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी साउंड की स्पीड से फास्ट ट्रेवल कर सकती है, पर ये यूजली पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है और एक बार लॉन्च करने के बाद इसमें टारगेट को चेंज नहीं किया जा सकता है। वही हाइपरसोनिक मिसाइल को हम लॉन्च करने के बाद भी गाइड कर सकते हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह आर्क या प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती है, इसलिए इनको भी एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता है। अतुल राणे ने रिसेंटली इंडिया रशिया ज्वाइंट वेंचर पर काफी बड़ी स्टेटमेंट दी थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल रशिया की ज़र्कॉन मिसाइल्स की तरह होंगे, क्योंकि ये मिसाइल्स एयर में ग्लाइड करते हुए एनमी के टेरिटरी में जाती है, जिसके कारण वॉरहेड के अलावा इस मिसाइल की काइनेटिक एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है। ब्रह्मोस 1 या फिर ब्रह्मोस का सुपरसोनिक वर्जन जिसे फिलहाल इंडिया यूज कर रही है, उस मिसाइल की स्पीड है 2.8 Mach, यानी साउंड की स्पीड से 3 times ज्यादा। वही सोर्स के अकॉर्डिंग ब्रह्मोस 2 की स्पीड 9 Mach होने की संभावना है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से 9 times ज्यादा। आने वाले 5-6 सालों में ब्रह्मोस 2 के फर्स्ट ट्रायल्स किए जाएंगे और ये भी साफ कर दिया गया है इस हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एक्सपोर्ट इंडिया नहीं कर सकता है। इसके अलावा इंडिया ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन पर भी काम कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस का मिनी वर्जन होगा। इसकी रेंज तो सेम 290 किलोमीटर और स्पीड 3.5 मैक होगी, पर यह 50% लाइटर और करंट ब्रह्मोस के कंपैरिजन में 3 मीटर छोटी होगी, जिसके कारण इसकी RCS यानी रेडार क्रॉस सेक्शन वैल्यू कम होगी और इसको डिटेक्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए और भी डिफिकल्ट होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस NG को उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी 400 मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट को कंफर्म कर दिया है, जिसकी टोटल कॉस्ट करीब ₹8,000 करोड़ होगी और इन्हें 5 साल के टाइम पीरियड में डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी की मोस्ट प्रेफर्ड मिसाइल आखिर क्यों है, और आने वाले कुछ सालों में ही इस मिसाइल को डेफिनेटली और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।